नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार सिंह। आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। ये लखीसराय का कबैया थाना है। कबैया थाने के बाहर एसडीपीओ की गाड़ी लगी है, लोगों की भीड़ है। अंदर चल क्या रहा है ये आपको बहुत तेजी में दिखाते हैं। अंदर जब आप पहुंचेंगे तो देखेंगे कि लखीसराय के एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो सामने डेस्क है उस पर नोट बिछाया गया है। ये नोट है किस चीज का, ये आपसे चंद लम्हों में लखीसराय के एसपी आपको जानकारी देंगे। कहा यह जा रहा है कि लखीसराय में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कार्यालय में रुपए की लूट हुई और वो रुपया पुलिस ने बरामद कर लिया है। और सबसे खास बात यह है कि एक एक रुपया बरामद हुआ है इस मामले में। प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर चल रहा है। लखीसराय के जो एसपी हैं, ये लखीसराय के मीडिया कर्मियों को देख लीजिए, ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वक्त ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ लखीसराय के एसपी कर रहे हैं। और टेबल पे ये जो आप नोटों का बंडल देख रहे हैं, ये लखीसराय में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के दफ्तर से कहा यह गया था कि लूट हुआ है। कहां से आया ये रुपया, ये आपको सुनवाएंगे। लखीसराय के एसपी कहते क्या हैं। ये हजार, माफ कीजिएगा, 500 और 150 रुपए का बंडल है। ये जो नोट आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पे, सर ये एक मिनट हटा हो गया ना, फोटो हो गया। सर क्या है मामला। दिनांक 16 तारीख, मतलब जो कल हम लोग का सुबह में फ्लिपकार्ट के जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं उन्होंने बताया कि उनके जो ऑफिस में है लगभग 16 लाख रुपए के आसपास जो है वॉल्ट में, जो गोदरेज का वॉल्ट जो होता है उसमें रखा हुआ था और उससे वो चोरी हो गया है। हमारी टीम वैसे तो पूरी तरीके से विसर्जन में व्यस्त थी, लेकिन तुरंत इस चीज़ पे हम लोगों ने संज्ञान लेते हुए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने पे ये बात समझ में आई कि ये जो है काम किसी अंदरूनी स्टाफ का ही है, क्योंकि जो वॉल्ट था, जो तिजोरी थी, उसको चाबी से खोला गया था। उस पे किसी तरह का तोड़ फोड़ का निशान नहीं था। हम लोगों ने तुरंत जो है FSL की टीम, फिंगरप्रिंट की टीम, सबको बुलाया था ताकि उसकी वैज्ञानिक अनुसंधान हो सके। उसी क्रम में हम लोगों ने एक टीम भी बनाई थी, खास करके कि चूँकि ये मामला सेंसिटिव था, जिसमें कवैया SHO, हलसी SHO, रामगढ़ SHO और परीक्षमयान जो है अनामिका कुमारी, और हमारी DIU की टीम में ASI शशिभूषण, विभूति और पवन, और SDPO के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी। जो अनुसंधान के क्रम में ये बात समझ में आई कि 15 और 16 की रात में, लगभग 12 से 1 बजे के बीच में ये जो है किया गया है, चोरी की गई है। और इसमें जो DVR और जो डमी DVR जो लगा हुआ था सुरक्षा के लिए उस ऑफिस में, उसको भी खोल लिया गया है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पे एक सुजीत कुमार करके, सुजीत कुमार पेशर विनोद सिंह, बेगमपुर नालंदा का है, लेकिन यहाँ पे वो 3.5 साल से टीम लीडर के तौर पे, फ्लिपकार्ट का टीम लीडर जो होता है उसके तौर पे यहाँ 3.5 साल से काम कर रहा था। लगभग 1-2 महीना पहले उसकी ट्रांसफ़र जो है जमुई में लछुआर है वहाँ के ऑफिस में कर दिया गया था। तो उससे जब पूछताछ की गई तो उससे पूछताछ करने पे ये पता चला कि ये जो 16 लाख रुपए लगभग जो चोरी हुए थे, ये और अजय एक सॉर्टर करके है, सॉर्टर उसको कहते हैं जो सामान आता है फ्लिपकार्ट का जो डिलीवरी करने के लिए, उसको सॉर्ट करता है ताकि किस एरिया में किसको भेजना है वो करता है। और ये दोनों ने मिलकर
पैसे को निकाला था और इसमें जो यहाँ का जो हब इंचार्ज है जो मिहिर नाम का है वो मेन साजिश करता है और एक अफरोज है जो एरिया मैनेजर जो सीनियर मोस्ट है, फ्लिपकार्ट का एरिया मैनेजर है अफरोज और मिहिर जो है हब इंचार्ज ये सीनियर है। ये चारों जो है मिल के लगभग 15 की रात में इन लोगों ने पार्टी किया है उसी ऑफिस में और उसके बाद वहीं पे इन लोगों ने प्लान बनाया है। सुजीत जो पहले यहाँ पे 3.5 साल से काम कर रहा था उसके पास पहले चाबी का एक्सेस हुआ करता था, मोस्ट प्रोबेबली उसने उस चाबी को का डुप्लीकेट बना लिया था और उससे इन लोगों ने चाबी से ताला उसको वॉल्ट को खोला है, जो भी पैसा था वहाँ पे उसको निकाला है और सुजीत जो है सुजीत ने पैसा लिया है बैग में और जो अजय था अजय जो है DVR को उसको उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उस DVR को ठिकाने लगाने के लिए, तो अजय ने DVR को बाईपास में पानी में जाके फेंक दिया था और सुजीत ने ये पैसा लेके उसी रात में वो अपना लछुआर में चला गया जहाँ पे वो किराए पे रहता था जहाँ पे उसकी नौकरी थी फ्लिपकार्ट में। फिर सुबह में अगले दिन मतलब कल की सुबह में जब उसको पता लगा कि अब FIR होने वाला है तो ये इस पैसे को ले जाके अपने नालंदा जो अपना घर है वहाँ पे ले जाके ज़मीन के अंदर गाड़ के उसने छुपा दिया। पूछताछ करने के बाद हम लोगों को जब ये हुआ तो कल टीम गई रात में और वहाँ से पैसे की रिकवरी हुई और जो पैसे की है कंप्लीट 100% रिकवरी है। 16 लाख इन लोगों ने बताया था लगभग चोरी का, लेकिन उससे ज़्यादा ही हम लोगों की रिकवरी है, लगभग 16,76,900 रुपये की रिकवरी है। उसके अलावा जो DVR अजय ने जो शॉटर है लड़का जिसने बाईपास में फेंका था उसके कन्फेशन पे ये हम लोगों ने उसको ले जाके पहचान करवाया और DVR को भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। तो इस तरीके से टोटल कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें 2 काफ़ी सीनियर ऑफिसर हैं और तीसरा जो है जमुई का ऑफिसर है और एक चौथा अजय है जो शॉटर है। तो ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, कम्प्लीटली ये डिटेक्शन हो गया है और कम्प्लीटली रिकवरी भी हो गई है। तो ये जो है टीम की हमारी काफ़ी अच्छी डिटेक्शन है और मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर सारी रिकवरी और सारी गिरफ्तारी कर लेना बहुत ही काबिले तारीफ है। मैंने अपने सीनियर ऑफिसर्स को भी इसके बारे में बताया, उन्होंने भी बोला है कि वो लोग पुरस्कृत करेंगे सारी टीम को, मेरे द्वारा भी पुरस्कृत किया जाएगा। ये सारे एम्प्लॉई फ्लिपकार्ट थे या कोई सिस्टर कंपनी? नहीं, सारे एम्प्लॉई जो हैं फ्लिपकार्ट की ही कंपनी होती है जो कि अलग अलग जैसे इंस्टाकार्ट सर्विस जो है ये वो उनका डिलीवरी का काम देखती है, उनकी सिस्टर ही कंपनी है फ्लिपकार्ट की, तो उसकी सारी एम्प्लॉई थे। पैसे कहाँ से आए थे सर इतने सारे पैसे? ये एक्चुअली अभी दशहरा का टाइम है और कुछ दिनों से बैंक भी बंद है और ये जो जितने भी आजकल कैश ऑन डिलीवरी होता है फ्लिपकार्ट का तो उसके जो कस्टमर पैसा देते हैं उसको चूंकि 2-3 दिन से इकट्ठा हो गया था तो ये लगभग इतना पैसा 16 लाख के आसपास हो गया था। बाहर के किसी लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं? नहीं नहीं, ये चारों के अलावा और किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये चारों जो है और चारों की गिरफ्तारी भी हो गई है। और इसमें एक बहुत अच्छी बात ये है कि आज तक फ्लिपकार्ट के बहुत सारी चोरियाँ हुई हैं लेकिन लखीसराय में पहली बार हुआ और हम लोगों ने 100% और कहीं भी इतनी बड़ी मात्रा में हम लोग रिकवरी नहीं हुई थी, लखीसराय में पूरी 100% रिकवरी हुई। वो भी रिकॉर्ड टाइम में। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं सभी सर? लखीसराय के SP पूरी जानकारी दे रहे थे कि कैसे फ्लिपकार्ट के ही कर्मचारियों ने चोरी की साजिश की, लूट दर्शाने की कोशिश की गई लेकिन जो फ्लिपकार्ट के एम्प्लॉई हैं पकड़े गए, पैसा भी बरामद हुआ और ये लखीसराय पुलिस के लिए एक शाबाशी वाली बात। देखते रहिए डिस्ट्रिक्ट न्यूज़।